ओके, सो दिस इज खादी नेचुरल चारकोल सोप, जिसे मैन्युफैक्चर करती है खादी नेचुरल हेल्थ केयर यूनिट, जो कि एफिलेटेड है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से। साथ ही साथ इसे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। खादी के प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया में और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। कंपनी ने कुछ खास मेहनत नहीं की है इसकी पैकेजिंग में, बहुत ही सिंपल रखा है इसको। कुछ इस तरह से प्लास्टिक से रैप्ड आपको ये सोप मिलेगा। फ्रंट एंड बैक साइड में लेबल लगे हुए हैं जिसमें इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। बहुत ही आसानी से आप इसे अनरैप कर सकते हैं और ये रेडी टू यूज़ है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज़ किया गया है। अगर बैक साइड में आप देखेंगे तो 4 मेन की इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं, वाटर, ग्लिसरीन, वेजिटेबल ऑयल एंड एक्टिवेटेड बैम्बू चारकोल। ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट है जिसका मेन फंक्शन होता है स्किन को नरिश करना, और चारकोल का मेन फंक्शन होता है डीप क्लीन करना, जो कि हेल्पफुल होता है स्किन इम्प्योरिटीज़ और डर्ट को रिमूव करने में। साथ ही साथ डर्मेटोलॉजिकली और क्लिनिकली टेस्टेड है ये सोप। तो ये तो सारी वो बातें हो गई जो कंपनी क्लेम करती है। अब बात करते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इसे यूज़ करने के बाद। मैंने पैक ऑफ 3 का कॉम्बो ऑर्डर किया था जिसमें से एक सोप मैं पूरा का पूरा इस्तेमाल कर चुका हूँ। सो पॉइंट नंबर 1, क्लीनिंग फैक्टर। चारकोल बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका मेन फैक्टर उनकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने कोलगेट के चारकोल टूथपेस्ट का रिव्यू अपलोड किया है जिसमें मैंने चारकोल की क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। सो अगर मैं बात करूँ इस सोप की, इसकी स्किन को क्लीन करने की क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी डिसेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, फ्रेगरेंस। वैसे तो किसी सोप की फ्रेगरेंस जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मतलब केमिकल का यूज़ उतना ही ज़्यादा किया गया है उसकी फ्रेगरेंस को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि इनिशियल डेज में इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील होती है, बट टाइम के साथ इसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है जैसे जैसे आप इसे यूज़ करते हैं। पर्सनली मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट है। मे बी आपको इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद आए या बिल्कुल भी पसंद ना आए। अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मुझे इसकी स्मेल कुछ अगरबत्ती जैसी फील हुई है। पॉइंट नंबर 3, नरिशमेंट। वैसे तो ये सोप ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट अगर आपके स्किन टाइप ऑयली टू नॉर्मल के बीच में कहीं है तो ये आप पर ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्क करेगा। कंपैरेटिवली अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल से ड्राई के बीच में कहीं लाई करती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने डव या फिर बेयर सोप का यूज़ किया आफ्टर वॉश, ये सोप स्किन में ऑयलीनेस फील कराते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ पतंजलि के मुल्तानी मिट्टी सोप की या फिर खादी चारकोल सोप की, तो ये उनके कंपैरेटिवली स्किन को कहीं ना कहीं ड्राई रखते हैं। सो ऑयली स्किन वालों पर तो ये अच्छा वर्क करता है, बट ड्राई स्किन को ये और ज़्यादा ड्राई आउट कर सकता है। हालांकि कोई भी साबुन आपके लिए कितना बेहतर वर्क करेगा, ये साबुन की क्वालिटी के अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ का पानी का पीएच लेवल और आपकी स्किन टाइप कैसी है। बात करूँ अगर मैं रेटिंग्स की, तो करंटली अमेजन पर 3.7 स्टार्स और फ्लिपकार्ट पर 3.9 स्टार्स आउट ऑफ 5 इसे मिले हैं, बट ये रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं। और अभी इसका प्राइस 95 रुपीज़ है 125 ग्राम सोप के लिए, बट ऑनलाइन ऑफर्स में डिस्काउंट मिल सकता है। सो अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लुकिंग ब्यूटीफुल।